लगातार पूरे देश में चर्चा में बना हुआ है वो है #boycottmaldives। दरअसल मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं मुइजू, उन्होंने अपने चुनावी प्रचार प्रसार में जो है लगातार एक हैशटैग का इस्तेमाल किया था और वो है इंडिया आउट। दरअसल इसका मतलब यह है कि जितने भी भारतीय हैं वो पूरी तरीके से मालदीव से बाहर निकल जाए। इतना ही नहीं, अब तो उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि जो भारतीय सेना मालदीव में है वो 15 तारीख से पहले पहले जो है वो मालदीव छोड़कर चली जाए। हालांकि इसके बाद भारत का क्या एक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी, भारत क्या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है या नहीं लेता है। लेकिन आप ये समझिए कि अब मालदीव की आड़ में उन्हीं के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो उनके विपक्ष के नेता हैं यानी कि जिया खालिद, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और दो बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, अब उन्होंने भारत के खिलाफ जो है खुला मोर्चा खोल दिया है। दो बार प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने चुनावी प्रचार में हर बार जो है हिंदू विरोधी और भारत विरोधी बयान दिए हैं। अब उनकी पार्टी है BNP, अब उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन जो है चलाया जा रहा है और उस कैंपेन के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि आखिर हिंदुओं को किस तरीके से टारगेट किया जा सके। इतना ही #IndiaOut का नारा जो मालदीव में चल रहा है अब वही सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश में भी खूब ट्रेंड कर रहा है। वहां पर हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश, भारत के जो लोग वहां पर रहते हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आज की वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत और बांग्लादेश की जो दोस्ती है वो बहुत ही अच्छी है। देखिए गर्मजोशी से हमने देखा है कि किस तरीके से जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनका किस तरीके से PM नरेंद्र मोदी स्वागत करते हुए नजर आते हैं। चाहे वो G20 की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश का दौरा करते हैं किस तरीके से शेख हसीना एयरपोर्ट पर पहुंचती है, स्वागत करती है PM मोदी का। लेकिन ये सब जो है जाहिर सी बात है विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। क्यों रास नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी जब चुनाव हुए थे प्रधानमंत्री के, उस वक्त भी जिया खालिद ने चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान लगातार हिंदू विरोधी भारत विरोधी बयान दिए और उसका नतीजा क्या हुआ कि वो विपक्ष में ही रह गए और एक बार फिर से प्रधानमंत्री की शपथ जो है वो शेख हसीना ने ले ली। लेकिन आप ये समझिए कि सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि जो हिंदू है उन्हें टारगेट बनाया जा सके। इतना ही नहीं, 1971 युद्ध का जो है लगातार जिक्र किया जा रहा है कि 1971 के युद्ध में जिस वक्त भारत डटकर बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ था, अब ये कहा जा रहा है कि वो अपने मतलब के लिए खड़ा था, जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत बात है। लेकिन अब आप ये समझिए कि अब जब विपक्ष की नेता की तरफ से जब इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि इस पर भारत जो है क्या आगे जाके कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा। लेकिन जो अभी फिलहाल वहां की प्रधानमंत्री यानी कि शेख हसीना जो है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये विपक्ष का जो है सोच हो सकती है, हमारी सोच ऐसी नहीं है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते कितनी गर्मजोशी से करती है। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में जब विपक्ष के नेताओं की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं तो उस पर भारत और बांग्लादेश की दोस्ती पर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा।